हेलो गाइस, वेलकम टू डायनामिक्स। मैं हूं नीलांशु कुमार और लेकर आया हूं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस फॉर राज व्यवस्था पॉलिटी। और इसमें हमने डिस्कस करना है 170 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है, 4 वीडियोस बने हैं। आपको वीडियो पसंद भी आया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसे हमें कमेंट में जरूर बताया करें। और ये वीडियो बायलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाषा को लेकर। अगर फिर भी होती है तो मुझे बताएं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। संविधान द्वारा केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति किसके पास है? हु होल्ड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका में कौन कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट इज द हेड, सो आंसर विल बी प्रेसिडेंट। और क्यों प्रेसिडेंट होगा? क्योंकि इंडिया में जो भी कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा काम होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर कोई काम इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हु होल्ड एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेसिडेंट ही कार्यकारी शक्ति के हेड होंगे। अगला सवाल, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री आते कहां से? अब आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री आम आदमी के द्वारा ही चुन के आएंगे। अब ये आमतौर पर आम आदमी के द्वारा कैसे चुन के आते हैं मैं बताता हूं। अब आम आदमी चुनता है एमपी को, मतलब सांसद को। अब ये सांसद जो होते हैं ना, ये अपने में से किसी एक को प्रधानमंत्री चुनते हैं, सॉरी ये एमपी होता है। तो ये है हमारे देश का प्रधानमंत्री को चुनने का सिस्टम। तो अगर ये सांसद हम चुन रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोकसभा के लिए चुनते हैं, राज्यसभा के लिए डायरेक्ट पीपल का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, पीपल का योगदान नहीं होता है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा लोकसभा। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? हाउ मेनी सेशंस आर एटलीस्ट कॉल्ड इन लोकसभा? तो इन लोकसभा देयर आर टू सेशन, साल में दो बार। कैसे? संविधान में लिखा है कि साल में दो सेशन होंगे और दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा। अगर इस तरह का सिस्टम है तो साल में दो सेशन तो अनिवार्य है। और हमारे देश में कितने सेशन होते हैं संसद में, पार्लियामेंट में? 3 सेशन होते हैं। एक को हम मानसून सेशन कहते हैं, एक को बजट सेशन कहते हैं, एक को विंटर सेशन कहते हैं। ठीक है, पहले बजट सेशन आता है, फिर मानसून सेशन आता है और फिर विंटर सेशन आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते पढ़ते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने साल के लिए? राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 साल के लिए होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 साल के लिए होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के सदस्यों का चुनाव भी 5 साल के लिए किया जाता है। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का? ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया, इसीलिए मैं आपको 170 क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कहां कहां क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 23 करोड़ इसकी जनसंख्या है, तो ऑब्वियसली यहां सबसे ज्यादा क्या होंगे? लोकसभा के सदस्य होंगे, क्योंकि हमारे देश में जो लोकसभा और विधानसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव वहां की जनसंख्या के आधार पर होता है। जहां ज्यादा जनसंख्या वहां ज्यादा मेंबर, जहां कम जनसंख्या वहां कम मेंबर। अब इसको एग्जांपल देके समझाऊं, ये इंडिया का ऊपरी भाग है जिसमें ये है ना, ये लद्दाख, और इतना बड़ा लद्दाख है, एक बहुत बड़ा राज्य है, 2-3 राज्य इंडिया के उसमें समा जाए, इतना बड़ा राज्य है, लेकिन इसके एमपी सिर्फ एक है। और यहाँ पर एक चिंटू सा एरिया, मामले में एरिया के मामले में एक छोटा सा जगह है जिसे हम कहते हैं दिल्ली, द हार्ट ऑफ इंडिया। अब ये दिल्ली है ना, इसमें 7 लोकसभा के मेंबर आते हैं। अब आप देख लो, इतना बड़ा जगह लद्दाख, मात्र एक, यहाँ पर 7। तो क्या कारण है? जनसंख्या का घनत्व। लद्दाख में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, लेकिन दिल्ली में जनसंख्या घनत्व इंडिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां पर ज्यादा लोग लोकसभा चले जाते हैं। और आप जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा भी, एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी अपना विधानसभा रखता है। इसका रीजन ये है कि वहां के पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगला सवाल हम देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसने किया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत के संविधान के द्वारा की गई थी। और इसके पहले क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया। फेडरल कोर्ट का मतलब ये कि इंडिया जब 1935 में अंग्रेजों के गुलाम में था तो सेंटर और प्रोविंशियल
जगह होते, एक सेंटर जैसे आज है, एक स्टेट उसको प्रोविंसेस उस समय कहा जाता था। तो इस दोनों के प्रॉब्लम को, अगर ये दोनों झगड़ा करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए कोर्ट चाहिए, इसीलिए बनाया गया था फेडरल कोर्ट। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के संविधान लागू होने के 2 दिन बाद 28 जनवरी को भारत के सुप्रीम कोर्ट की इनॉग्रेशन हुई और भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और उसके क्षेत्राधिकार का जिक्र है। संरचना मतलब कैसा होगा, कितने जज होंगे, कहाँ बैठेंगे, और क्षेत्राधिकार उसका कहाँ कहाँ क्षेत्राधिकार है, किस किस तरह के केस को वो डील करेगा, किस तरह के केस को वो डील नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। सामान्य से पहले लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है। अब सामान्य से पहले मतलब नॉर्मल सिचुएशन के में अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना है तो कौन करेगा, तो वो करेंगे प्रेसिडेंट। लेकिन कब, जब उसे मिनिस्टर की काउंसिल मतलब मंत्रिपरिषद सलाह देंगे। अब मंत्रिपरिषद सलाह कैसे देंगे, अपने मन से देंगे, नहीं, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे मंत्रिपरिषद अगर लिखित सलाह देते हैं लोकसभा को भंग करने का राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। पंचायती राज के सफलतापूर्वक संचालन के लिए किसका सहयोग चाहिए। अब बताइए पंचायती राज को कहते क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायती राज को अगर हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल का मतलब स्थानीय, सेल्फ का मतलब खुद का, गवर्नमेंट मतलब सरकार, मतलब स्थानीय लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो पंचायती राज भी एक तरह की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो उसके लिए स्थानीय लोगों का होना निहायती जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। सीधा याद करो 1952 में, 1952 में, आजादी के 2 साल बाद। या ये ऐसे याद कर लो, आजादी के बाद ना हमारी पहली लोकसभा 1952 में शुरुआत हुई थी चुनाव के बाद, तो इसीलिए याद कर सकते हैं कि 1952 में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है। अब आप जानते हैं कि 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल में 3 चीजों का जिक्र है, एक स्टेट लिस्ट, एक सेंटर लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट। स्टेट राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। तो भूमि किसके रिलेटेड है, राज्य के रिलेटेड है, इसीलिए क्योंकि किस सूची में रखा गया है, राज्य सूची में रखा गया है, ताकि उस पर राज्य अपने हिसाब से कानून बनाए। पंचायती राज पहली बार पेश कहाँ हुआ, मतलब कहने का सेंस यह है क्वेश्चन का कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन इंडिया में पंचायती राज सिस्टम की ऑफिशियली शुरुआत कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी राजस्थान में, राजस्थान के नागपुर में। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचायती राज बना, हमने बताया कि पंचायती राज को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब लोकल को हम कुछ पावर देंगे ताकि वो अपने गवर्नमेंट को चला सके। अगर लोकल को कुछ अधिकार देने हैं ताकि वो गवर्नमेंट को चलाए, तो क्या करना होगा, सेंटर और स्टेट के पावर को लेकर लोकल को देना होगा। मैंने पहले वीडियोस में भी इस तरह की चीजों को डिस्कस किया, फिर कर रहा हूं। तो इसके लिए क्या उसको कहते हैं, विकेंद्रीकरण। क्या करना होगा, सेंटर और स्टेट के पास जो सत्ता है उसको विकेंद्रीकृत करके गांवों के लोगों को देना होगा। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य यही था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एमॉन्ग विलेजर। पावर ही अगर हम दे देंगे विलेजर्स को, तो वो अपना विकास तो खुद कर ही सकते हैं ना, क्योंकि विलेजर ही जानेगा ना कि उसके घर में प्रॉब्लम क्या है। आपके घर का प्रॉब्लम कोई बाहर वाला नहीं बता सकता, आपके घर का प्रॉब्लम आपके घर वाले ही आपको अच्छे से समझ के बता सकते हैं। इसीलिए एक सलाह दूंगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो घर में डिस्कस करो, दूसरे के पास मत जाओ, वो हंसेंगे। पंचायती राज ने गांव को स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के रूप में संगठित किया। तो पंचायती राज ऑर्गेनाइज विलेज इनटू ए यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हाउ, क्वेश्चन ये है, कैसे कैसे पंचायत ने ऐसा कर पाया। क्या फंडामेंटल राइट में ऐसा लिखा था, नहीं। क्या प्रियम्बल में ऐसा लिखा था, नहीं। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐसा लिखा, हाँ, आर्टिकल 40। लेकिन हुआ कब लागू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक, तो बाध्यता तो है नहीं राज्यों को लागू करने की। तो लागू हुआ जब 73वां संशोधन विधेयक 1952 में पास हुआ, तब हमारे देश में पंचायती राज गांव में पूरे इंडिया में पैन इंडिया लेवल लागू हुआ। लेकिन कुछ राज्यों ने इसे बहुत लेट इंप्लीमेंट किया, जिसमें हमारा बिहार पीछे से फर्स्ट है, मतलब लागू करने में सबसे लेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संघीय वित्तीय संबंध संबंधित है, संघीय वित्तीय संबंध, संघ मतलब केंद्र, वित्तीय मतलब पैसा, तो केंद्र का पैसा से रिलेटेड संबंध किससे संबंधित होगा। केंद्र का पैसा से रिलेटेड संबंध किससे होगा, हमसे नहीं, राज्यों से होगा। देखिए ऑप्शन, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन स्टेट, दो स्टेट के बीच का फाइनेंशियल रिलेशन, तो फिर फेडरल रिलेशन, तो उसको नहीं कहेंगे ना, संघीय मतलब फेडरल, सॉरी यूनियन नहीं, फेडरल।
फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब संघ का मतलब ही होता है, अगर हम फेडरल की बात करें तो फेडरल का मतलब होता है सेंटर एंड स्टेट, और दोनों को ऑटोनोमस पावर होगा, मतलब दोनों के पावर एक दूसरे के साथ कोलैप्स नहीं करेंगे। तो इन दैट केस इसका सही जवाब होगा फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ऑटोनोमस गवर्नमेंट नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाना संभव हुआ, बिहार से हमने झारखंड को अलग किया 2000 में, तो क्यों हो पाया? क्या राज्यसभा विधान परिषद ने लॉ पास किया, राज्यपाल ने अध्यादेश दिया, या संवैधानिक दायित्व को पूरा किया? तो कोई भी कानून जब बनता है या कोई भी चीजें अगर कानूनी रूप से हमारे देश में होती है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में हम कोई चीज लाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा और संवैधानिक डिक्लेयर कर देगा, कहेगा ये कि ये कानून चलेगा ही नहीं, इसे बंद करो। अगर हम आर्टिकल 3 की जिक्र करें, अनुच्छेद 3 की जिक्र करें, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे छेद में कहता, 3 में कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट थ्रू ए बिल टेबल्ड इन पार्लियामेंट ऑन प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अफेक्टेड स्टेट। अब इसे मैं हिंदी में समझाता हूं। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी राज्य को बनाने का बिल पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के सलाह पे, रिकमेंडेशन पे, अगर वहां की लेजिस्लेचर, कहां के लेजिस्लेचर, उस राज्य के विधानसभा की लेजिस्लेचर से बात करने के बाद हो सकता है। चलिए फिर से एक बार बताता हूं। राज्य है, इससे हम बात किए, कौन बात किए, प्रेसिडेंट बात किए। अब इससे बात करने के बाद प्रेसिडेंट एक बिल पेश करवाएंगे लोकसभा या राज्यसभा में, अगर वो बिल वहां पास हो जाता है तो बनता है एक नया राज्य। और एक क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट में जवाब दीजिएगा, हमारे देश में सबसे नया बना हुआ राज्य कौन है? और एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, सबसे नया बना हुआ केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जो जवाब देंगे उन्हीं को मैं वहां आंसर बताऊंगा, या मैं टेलीग्राम पे इसका आंसर दे दूंगा। और हाँ, टेलीग्राम पे आपको जुड़ना है तो नीलांशु सर सर्च करें टेलीग्राम पे, वहां मैं आपको मिलूंगा, आप उसे ज्वाइन कीजिए, मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वहीं मिल जाएंगे। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास? अब एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? वैसे लोग जिनका वंश कहीं ना कहीं ब्रिटिश से जुड़ा है, इसीलिए उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं, इंडियन और ब्रिटिश का मिक्सचर। तो इसको नियुक्त करने का अधिकार किसके पास हुआ लोकसभा में ना, तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री के पास नहीं, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च कार्यपालिका कौन है? सुप्रीम एग्जीक्यूटिव, कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? प्रेसिडेंट नहीं, इनके नाम पे कार्य होते करते नहीं है। प्रधानमंत्री हो सकता है, लीडर ऑफ ओपोजिशन बिल्कुल नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं, तो करता कौन है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कैसे करता है? तो प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब उनके मंत्रिपरिषदों के समूह के साथ मिलकर सुप्रीम एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। अब सुप्रीम एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट भी आते हैं, क्योंकि वो उनके नाम पे ही सारा काम होता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? अब आप ये बताएं, बहुत ही आसान सवाल है, भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती? डायरेक्ट इलेक्शन से, एकल संक्रमणीय वोट से, अनुपातिक वोट प्रणाली से, या ओपन बैलेट सिस्टम से? जब मैं पढ़ाऊंगा तो इन सारों को डिस्कस करूंगा, अभी ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसका सही जवाब है एकल संक्रमणीय वोटिंग सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? रिपीटेड क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ टाइम रिपीटेड, सबको याद हो गया होगा, 73वां संशोधन 1992। मजा आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार? रिपीटेड क्वेश्चन, याद तो हो ही गया होगा ना, 12 से 35 मौलिक अधिकार, और 5 से 11 नागरिकता, और बताओ, बताता हूँ, 36 से 51 DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 51A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, अधिकार है तो कर्तव्य भी होंगे। भारत के संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम में 1976 में एक नया अध्याय जोड़ा गया, यह अध्याय था एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ फेडरल एरिया, पहले से था फॉर्मेशन इंटरस्टेट काउंसिल, पहले से था फंडामेंटल ड्यूटी, मैंने बताया अभी 51A में जोड़ा गया था, 51A में जोड़ा गया है तो ऑब्वियसली 12 में जोड़ा गया होगा, ए लगा हुआ है,
तो ये 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। कानूनी मामलों में भारत सरकार को कौन सलाह देता है, हु एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर, नीचे से देखते हैं। चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, बिल्कुल नहीं। चीफ जस्टिस, बिल्कुल नहीं। करता कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, गवर्नमेंट को सलाह तो अटॉर्नी जनरल देता है, राष्ट्रपति को कोई सलाह चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से लेगा, तो वहां चीफ जस्टिस उसको सलाह देंगे, किसको, राष्ट्रपति जी को। लेकिन सरकार को सलाह चाहिए तो अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी आर्टिकल 76। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, पहले ही बताया सर, सारे आयोग की नियुक्ति सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति ही करते हैं। आगे क्वेश्चन, चलिए अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आज हैं, तो एक ही क्वेश्चन इसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं। भारत के लिए अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है, ये तो हम जान चुके हैं। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक वकील है, मतलब भारत सरकार को अगर किसी के साथ झगड़ा हो गया, मान लीजिए मैंने ही भारत सरकार के तरफ खिलाफ केस कर दिया, नीलांशु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तब यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से वकील कौन होगा, यूनियन की इंडिया की तरफ से या तो सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल वकील होंगे। उन्हें सरकार की ओर से अधिवक्ता कहा जाता है, वे संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत कौन इसको नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो उसके हेड होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन आते हैं, सारे बड़े मिनिस्टर्स जो इंडिया के हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे आते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद ग्रहण करता है, प्रसाद प्रयत्न इसका मतलब ये है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ही वो महान्यायवादी महान्यायवादी रहेगा, अदरवाइज उसको उसके पोस्ट से हटाना उनकी मर्जी पे है, कोई उसके खिलाफ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसको कहते हैं प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, अब किसी को भी तो उठा के नहीं बना देंगे ना, ना कानून ना सलाहकार है तो कानून की जानकारी तो होनी चाहिए, तो 5 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, या 10 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय के वकील हों, या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्याय के जानकार हों, तो राष्ट्रपति उसे भारत का न्यायवादी बना सकता है, और भारत का नागरिक तो होना बिल्कुल जरूरी है। अभी हमारे देश के अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणु गोपाल, उन्हें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्त किया और 3 साल के लिए इनका कार्यकाल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, अगर भारत के पार्लियामेंट की बात माने, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात माने, तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार ऑब्वियसली पार्लियामेंट के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनवाइट्ड अ सुप्रीम विथ कोर्ट विद चीफ जस्टिस 7 जज लिविंग इट टू पार्लियामेंट टू इंक्रीज दिस नंबर। भारत के संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 न्यायाधीश होंगे, इनिशियली 1+7=8, उसके बाद अगर उसको बढ़ाना है तो वो कौन करता है, भारत का पार्लियामेंट, भारत का संसद। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आपको बहुत कुछ जानने को मिले होगा, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में बताएं, और लाइक शेयर और कमेंट तो जरूर करें, धन्यवाद।